मॉर्निंग सर, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पासबुक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस लेके कैसे क्वेश्चन करते हैं वो मैं समझा रही हूँ। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें आपको दिया हुआ है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जो आपका दिया हुआ है 12,000 रुपये। इसके बाद में देखिए हमको दो चीज़ें होती हैं, एक कैशबुक और एक पासबुक। हम क्वेश्चन में इन चारों में से हमको एक चीज दी हुई होती है, या तो डेबिट बैलेंस दिया हुआ होगा, या क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ होगा कैशबुक का, या पासबुक का आपको क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, डेबिट बैलेंस दिया होगा। आगे पीछे मैंने लिख दिया है समझाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन चारों चीज़ों में से हमको एक चीज़ क्वेश्चन में दी हुई होती है। ये दो चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ, आज मैं आपको ये समझा रही हूँ क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो हम क्वेश्चन को कैसे करें। अब यदि एक बात और देख लीजिए, इन दोनों का कार्य यानी अगर डेबिट बैलेंस दिया है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो इन दोनों का कार्य हम एक जैसा करते हैं, कि मैंने आपको याद करने के लिए बताया है। और यदि आपको क्रेडिट का बैलेंस दिया है और ये वाला बैलेंस है आपका, इन दोनों का कार्य हम एक जैसा करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो हमको ये हमारी नेगेटिव एंट्री जाएगी। इसका मतलब है जिन्हें जोड़ना था उन्हें घटाइए और जिन्हें घटाना था उन्हें जोड़िए। जैसे कि मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं कि किनको हम प्लस करिए और किनको माइनस करिए। सबसे पहले आता है बैंक चार्जेस, ये माइनस की एंट्री है तो आपकी माइनस की एंट्री जाएगी प्लस में। बैंक व्यय, बैंक चार्जेस आपके लिए हैं 20 रुपये, ठीक है। इसके बाद है चेक एंटर्ड इन द कैश फ्लो, यानी चेक एक ग्राहक से प्राप्त हुआ जिसका कैशबुक में डेबिट कर दिया गया लेकिन उसको बैंक नहीं कर दिया, तो ये माइनस की एंट्री है। जब पैसा कम हो रहा है माइनस की एंट्री है तो ये हमारी प्लस में जाती है। इसके बाद है मैंने आपको बताया था कि चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजा गया लेकिन संग्रह नहीं हुआ, ये आपकी माइनस की एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा कम हो रहा है तो हम इसको जोड़ते हैं, कटाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपोजिट जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, आपकी 1,600 रुपये का है तो मैंने लिख दिया। अब हमारी क्योंकि प्लस में तीन एंट्रीज हैं, तीन एंट्री का हम टोटल करके इस साइड लिखेंगे, 10 का 4 साइड लगा देंगे और इसमें इसको हम जोड़ देंगे जो आपका निकल के आता है 13,940। अब हमारी लेस में हमारी तीन एंट्रीज थी, चेक इशू, चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया, चेक निर्गमित किया गया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। 3,000 का चेक था, 1,800 का प्रस्तुत हुआ, बाकी का प्रस्तुत नहीं हुआ। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स, ये आपका 1,200 रुपये का है, 3,000 में से 1,800 घटा देंगे तो आपका बैलेंस बचेगा, इतने का पेमेंट नहीं हुआ तो 1,200 रुपये आपका दिया गया। इसके बाद है इंटरेस्ट यानी ब्याज बैंक ने दिया, अलाउड रेट लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अलाउडेड या गिवन बाय बैंक, बैंक ने ब्याज दिया कितने का 1,670 रुपये। ये प्लस की एंट्री होती है लेकिन ये हमारी माइनस की लाइन में कितनी नेगेटिव एंट्री करेगी। इसके बाद है चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी चेक बैंक में भेजा गया लेकिन कैश बुक में लिखा नहीं हुआ। तो बैंक पासबुक में पैसा जो है कम हो रहा है तो उसको जोड़ते लेकिन अपना घटाए, अपोजिट एंट्री जा रही है। इसलिए अब इन तीनों का टोटल हम जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे जो आपका आता है 1,570। अब इस टोटल में से इस टोटल का हम लेस कर देंगे तो आपका आता है 12,070, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस निकल गया है, इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या है क्रेडिट बैलेंस है, फिर यहाँ पर डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस पर कैश कितने का 1,270। एक बार और बता दूँ, जिस तारीख को हमारा ये बनता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे एज ऑन 31 दिसंबर, जो भी आपकी डेट होगी। तो इस टाइम पर हम क्वेश्चन करते हैं, ये ध्यान रखना डेबिट बैलेंस है तो पॉजिटिव एंट्री जाएंगी, क्रेडिट बैलेंस है तो नेगेटिव एंट्री जाएंगी। इन दोनों का कार्य हम एक जैसा करते हैं और इन दोनों का कार्य हम एक जैसा करते हैं, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।